पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं। वह महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी। परिचारिका तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने यहां तक कि अपनी घृणा को छिपाने की कोशिश भी नहीं की और वो बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई हैं। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या ये ताज भोजनालय है। डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके लगा के हंसने लगे। परिचारिका ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, ये तो है, पर आप क्या चाहती हो मैडम। तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए बुक करवाई थी कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी बेटा, मेरा केवल एक अनुरोध है, आप इस तरफ आइए। परिचारिका ने अनिच्छा से बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरीके से उसे बाकी ग्राहकों की नजर से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उसमें बदबू आ रही है, वो एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। महिला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे, अगर वह यह मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा लगता है कि महिला ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या ये लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 के 17 नोट है। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने बमुश्किल हंसी रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। ये केवल केक नहीं है बल्कि हमारे महाराज शेफ द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ छूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया करके यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी, वे बहुत बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वे बीमार हो गई। मेरे पति चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि कम से कम उसे ये केक ही दिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10 के 17 नोट हैं। इतना कहते हुए उसकी आँखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और अपने खर्च पर महिला के लिए पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि वह एक डॉक्टर हैं, आपके पास 17 नोट हैं और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहाँ से ही चली गई। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है ना जो आपके दिल को छू जाती हैं और जिंदगी में आपके दिल पर वो गहरा असर कर देती हैं कि आप भी मजबूरन अपने दिल को इस तरीके से मजबूर कर लेते हैं कि आपको आगे की जिंदगी किसी न किसी की मदद करने में ही गुजारनी है। क्या मेरा कहना सही है या नहीं? आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी तो अपनी ईशा की वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। गुड लक।